हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि हमें एसी के साथ पंखा चलाना चाहिए क्या। इसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूं कि अगर जब आप पंखा चलाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको और क्या नुकसान हो सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से पंखा ज़रूर चलाना चाहिए, क्योंकि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो एक दो ही हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले नुकसानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यार बाद में फ़ायदे की बात करेंगे और वीडियो को जब एंड करेंगे तो खुशी खुशी करना चाहिए। तो सबसे पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान दोस्तों ये है पंखा चलाने का कि जब आप पंखा चलाते हो तो पंखे का काम क्या है, पंखा कोई कूलिंग तो कर नहीं रहा है, कूलिंग तो एसी ने करनी है। पंखा क्या करेगा, आपके कमरे में जो भी हवा है, बेशक वो ठंडी है चाहे गर्म है, उसको सर्कुलेट करेगा, उसको घुमाएगा। तो घुमाने से क्या होगा कि जो अंदर हवा है या जो डस्ट है उसको भी वो साथ में घुमाएगा। अगर आपका घर या आपका कमरा किसी ऐसी जगह पर है, ऑन रोड है, जहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो आपके फिल्टर्स के ऊपर जम जाएगी, क्योंकि जब एयर में डस्ट घूमेगी, बेसिकली जब पंखा चलेगा तो वो डस्ट को भी तो घुमाएगा ना हवा के साथ, तो वो एसी भी सक कर रहा है एयर को, तो फिल्टर्स के ऊपर सारी डस्ट जाके चिपक जाएगी। इसका नेगेटिव पॉइंट सिर्फ यही है कि आपको फिल्टर्स को टाइम टू टाइम साफ़ करना पड़ेगा, या फिर आपको हो सकता है सीज़न में दो तीन बार एसी की सर्विस करानी पड़े। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है पंखा चलाने का, बाकी सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो चलिए अब फ़ायदों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने कमरे में पंखा भी चलाते हो तो आपका बिजली का बिल बहुत कम आता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि भाई एसी चल रहा है, साथ में पंखा भी चल रहा है, दो दो चीज़ें चलेंगी तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बिना पंखा चलाए एसी को चलाते हो तो आपको लोएस्ट टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, यानी कि आपको फिर एसी 21 या 22 पे चलाना पड़ता है। और अगर आपका एसी नॉन इन्वर्टर है तो वो बीच बीच में कट भी करेगा, और जब वो कट करेगा तो आपको उस टाइम गर्मी लगने लग जाएगी, पसीने आएंगे। और जब आपने सपोज 4 घंटे का टाइम लगा दिया, 4 घंटे बाद वो एसी बंद हो जाएगा तो आपको इमीडिएटली गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि जो कमरा है उसमें एक सफोकेशन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर नुकसान को समझिए कि आप जब 21 और 22 पे उस एसी को चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप पंखे को साथ में चला लेते हो तो आपको टेम्परेचर 24, 25 या 26 पे रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रखना पड़ेगा। अगर आप 24 पे रखते हैं तो भी आपको ठंड लगने लग जाएगी और हो सकता है कि कंबल भी लेना पड़ जाए। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 24, 25 या 26 पे जब आप एसी को चलाओगे तो आपका बिजली का बिल कम ही आएगा, क्योंकि कंप्रेसर पे लोड कम पड़ेगा, उसको आपका कमरा कम ठंडा करना पड़ रहा है। और यही बात इन्वर्टर एसीस पे भी लागू होती है और नॉन इन्वर्टर एसीस पे भी लागू होती है। और जब आप पंखा चलाओगे तो आपके कमरे में सफोकेशन भी नहीं होगी, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रहेगा, आपको घुटन भी नहीं होगी, ना ही कोई पसीने आएंगे जब तक एसी चलता रहेगा। और जब एसी बंद होगा, सपोज़ आपने 4 घंटे का एक टाइमर सेट कर दिया है और उसके बाद एसी बंद हो जाएगा, लेकिन साथ में अगर पंखा चल रहा होगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आधे एक घंटे तक तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि एसी बंद हो गया है, क्योंकि पंखा चल रहा है ना, वो जो हवा है, ठंडक है, उसको भी तो सर्कुलेट कर ही रहा है ना वो। तो पंखे चलाने के फ़ायदे ही हैं दोस्तों, नुकसान नहीं है। दूसरी बात, पंखा आप तभी चलाएं जब आपका रूम लीक प्रूफ हो, यानी कि एयर लीक प्रूफ हो। अगर आपके कमरे के दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं या कोई ऐसा मेजर रास्ता है जहां से हवा बाहर निकल सकती है तो आपको पंखा चलाने का नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर एयर वो बाहर की तरफ निकाल देगा। तो ठंडी एयर को अंदर ही रखा जाए, इसलिए आपको प्रॉपरली कमरा सील करना चाहिए, तभी आपको एयर कंडीशनिंग का अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आपको पंखा ज़रूर चलाना है, लेकिन ये दो चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि योर रूम शुड बी क्लीन एंड लीक प्रूफ,
तभी आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारा रूम काफ़ी बड़ा होता है और एसी हमारी मजबूरी होती है कि हमें किसी डायरेक्शन में लगाना होता है, लेकिन जो हमारा बेड होता है या हमारा सीटिंग एरिया होता है वो थोड़ा सा अलग हटके होता है। तो ऐसे में जब हम एसी को चला रहे हैं, बेशक 20 पे चला लो 18 पे चला लो, ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पर एसी लगा हुआ है और जिस तरफ उसका एयर फ्लो जा रहा है वो उतनी ही एरिया को ठंडा कर पाता है। अगर आप ज़रा सा हट कर के बैठे हुए हैं तो आपको ठंडक का एहसास ही नहीं होता और गर्मी लगने लग जाएगी, तो आपको वहाँ पर पंखा चलाना पड़ता है। ताकि पंखे का तो काम ही है कि कमरे में एयर को सर्कुलेट करना, तो वो पंखा क्या करता है कि उस ठंडी हवा को कमरे के हर तरफ फैला देता है। तो आप कमरे में किसी भी कोने में बैठ जाओ, अगर पंखा चल रहा है तो आपको प्रॉपरली ठंडक मिलती रहेगी। तो अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई कन्फ्यूजन था तो होप सो वो निकल गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक रात सिर्फ अपने घर में अपने रूम का पंखा चला के सो जाइए और एसी को 24 पे सेट करके सो जाइए, आपको फ़र्क पता लग जाएगा आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का भी और एयर कंडीशनिंग के एक्सपीरियंस का भी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके और जितने भी लोग इस कन्फ्यूजन में हैं वो इससे दूर हो सकें। और भाई पंखे भी चलाओ, वो भी चलने के लिए ही होते हैं। और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और साथ में घंटे को भी दबा दिया करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।